हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी नार्जो 30A के टिप्स एंड ट्रिक, और साथ ही इसी वीडियो में जानेंगे कुछ अमेजिंग फीचर जिससे कि आपने आपके डेली यूज करते हैं, कुछ ऐसे फीचर आपको बताने वाले हैं हम इसी वीडियो में। और वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो गाइस वीडियो में बस सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर भी ये सिंपल टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक है, जो आपकी होम स्क्रीन है या डिस्प्ले है, उस पर आपको दो फिंगर से पिंच इन करना है। जैसे ही आप इस पर पिंच इन करेंगे, यहाँ आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो इसे यहाँ से हम कर देंगे गॉट इट। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सामने आपके एप्लीकेशन खुल जाते हैं और कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से क्या आप एक बार में कई एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ से इन्हें एक सेलेक्ट करके और एक बार में एक साथ कई एप्लीकेशन को आप एक जगह से दूसरे पेज पर आप इन्हें मूव करा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन्हें एक पेज से आप दूसरे पेज पर इन्हें कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है विजिट, वॉलपेपर, इफेक्ट, सेटिंग। तो सबसे पहले अगर आपको विजिट चेंज करना है, तो यहाँ से आप विजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको देखने को मिल जाती हैं जो भी विजिट आपको अपनी होम स्क्रीन पर कस्टमाइज करके यूज करना है, आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। यहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉलपेपर का। अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है, तो इस वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं जो आपको चेंज करने हो। यहाँ से आप देख सकती हैं जो भी वॉलपेपर आपको सेलेक्ट करना हो, यूज करना हो, यहाँ से उसे सेलेक्ट करके आप उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे वॉलपेपर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होता है, जो आपके एप्लीकेशन है इन्हें इधर उधर जो इफेक्ट होते हैं, यहाँ से आप देख सकती हैं इस प्रकार के एप्लीकेशन आपके ऊपर आप इन्हें एप्लीकेशन में देखा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रोल टाइप की हो जाएंगे ये। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से क्यूब टाइप की घूमते नजर आएंगे आपको। यहाँ से आप इसे और साइड करेंगे फ्लिप, यहाँ से कार टाइप हो जाएंगे, ये टेल टाइप, जो भी आपको पसंद हो अपने एप्लीकेशन में उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, मैं अपने एप्लीकेशन में ज़्यादातर रोल एज पर क्लिक रखता हूँ। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग, जो कि होती है होम स्क्रीन सेटिंग। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन सेटिंग। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा हो रखा है ये ड्रॉअर मोड। यहाँ से आप इसे सिंपल मोड और स्टैंडर्ड मोड जो भी आप करना चाहें, यहाँ से इसे कर सकते हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ, ड्रॉअर मोड पर ऐसा हमारा, सिंपल मोड पर आपको इस प्रकार का दिखेगा। स्टैंडर्ड मोड और सिंपल मोड में आपको इस प्रकार दिखेगा, स्टैंडर्ड मोड पे ऐसा होता है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। आपको अगर मोड चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट, जिसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे करेंगे आप यहाँ से, यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन लेआउट, जो कि 5x6 हो रखा है। इसे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ये 5x6 से यहाँ से 4x6 भी कर सकते हैं आप इसे इस प्रकार से स्विच करके। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा स्विच हो गया। अगर आपको ये चेंज करना हो तो फिर से इसे चेंज कर सकते हैं। फिर से अपनी होम स्क्रीन सेटिंग में जाके इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जा जाएंगे होम स्क्रीन लेआउट, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर स्विच कर देंगे। उसके बाद हम फिर से वापस आ जाते हैं अपने होम स्क्रीन सेटिंग में। इसे पिंच आउट करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाता है आइकॉन ऑटोफिल, जिसे आप यहाँ से ऑटोफिल भी कर सकते हैं। यहाँ सर्च बार का ऑप्शन देखने मिल जाता है आपको। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। यहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू लॉक, इसे ऑन कर देंगे। इसे क्या हो, डबल टैप करेंगे आप अपनी डिस्प्ले पर, आपका फ़ोन लॉक हो जाता है। यहीं आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सेट थीम, सेट वॉलपेपर, सेट आइकॉन स्टाइल। सेट थीम पर क्लिक कर लेंगे यहाँ से आप, जैसे देख रहे हैं इसे अलाउ कर देंगे, एग्री।
यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सामने थीम में ओपन हो जाते हैं, जो भी आपको चेंज करना हो यहाँ से कर सकते हैं। वहीं आपको अगर फॉन्ट चेंज करने हो तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको फॉन्ट और जगह यहाँ पर आपको एक देखना मिल जाता है डिफिकल्ट, उसके लिए आपको ओपन थीम स्टोर पर जाना है। यहाँ से अगर आप और भी कर सकते हैं मोर पर, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई सेट आईकॉन स्टाइल, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से जो आपके आईकॉन है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं ये बोले, यहाँ से देख सकते हैं आपके कॉर्नर हो जाते हैं पर्पल कस्टम, जो भी आपको करना हो यहाँ से आप इन्हें कर सकते हैं। और इनका साइज़ आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आप इन्हें कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो इसे करते हैं यहाँ से अप्लाई। तो ये थी हमारे होम स्क्रीन की सेटिंग। अब हम और टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानने के लिए यहाँ से हम चलते हैं अब सेटिंग में। तो यहाँ से हम आ जाएंगे सेटिंग में। तो जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम आ जाएंगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार। अभी आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रही है, अगर आपको बैटरी परसेंटेज शो करानी है तो यहाँ इस पर करा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है इनसाइड द बैटरी आइकॉन आउटसाइड द बैटरी आइकॉन। जहाँ भी आप अपनी बैटरी परसेंटेज शो कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, अगर बाहर कराना चाहते हैं बैटरी से तो वो भी करा सकते हैं। अभी यहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसे इनेबल करने से क्या आपके फ़ोन के अंदर जब आप नेट यूज करते हैं तब आपको ये बताता रहता है कि आपके फ़ोन के अंदर इतनी स्पीड आ रही है। अभी तो ये थे हमारे फ़ोन की कुछ नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार की सेटिंग। यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। जैसे आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे तो यहाँ से आपको ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप। और उसी के बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डार्क मोड, वन टच में आप डार्क मोड पे भी जा सकते हैं। यहाँ से इसे ओके कर देंगे ऑन, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन आ गया अब डार्क मोड पे, और यहीं से आप इसे वन टच में लाइट मोड पे भी जा सकते हैं। यहीं आपको ऑप्शन देखने को मिलता है आई कम्फर्ट, जिसे आप यूज करेंगे रात में यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, जिससे आपकी आँखों पर चमक नहीं लगती, जिसे बोलते हैं आई कम्फर्ट। इसे आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो रोटेट का, ऑटो स्क्रीन ऑफ 3 सेकंड हो रखा है, आपको कम या ज़्यादा करना तो कर सकते हैं। वहीं आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फॉन्ट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलता, अगर आपको ओपन थीम चाहिए तो यहाँ ओपन थीम स्टोर पर जाकर अपने फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज या डिस्प्ले साइज चेंज करना है आपको यहीं से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिफ़िकल्ट, मीडियम, लार्ज, जो भी आपको करना हो यहाँ से इसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं, यहाँ से और बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैग्नाइजेशन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, जिसमें जाकर अपनी साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब, जिस पर आगे आप डू नॉट डिस्टर्ब लगा सकते हैं। नीचे इसको और ऑप्शन देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड, जिस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकती हैं। वहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कन्वीनियंस टूल, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है वेक गूगल असिस्टेंट विद पावर बटन, इसे इनेबल कर देंगे। तो पावर बटन आपका 0.5 सेकंड तक प्रेस रखेगा तब आपके फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है नेविगेशन बटन, अगर आपको नेविगेशन बटन हाइड करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं नेविगेशन बटन आपके वर्चुअल बटन हो रखे हैं। अगर आपको मोर पे क्लिक करना है, ये वाले जो बटन होते हैं इन्हें आप हाइड कर सकते हैं। तो मोर पे क्लिक करेंगे, स्वाइप अप जेस्चर पे क्लिक करेंगे, अब आपके बटन हो जाते हैं स्वाइप वाले, देख रहे हैं। यहाँ से स्वाइप करेंगे तो बैक आ जाएंगे, इस साइड से स्वाइप करेंगे तो बैक, अब बीच से आप स्वाइप करेंगे तब आप आ जाएंगे होम स्क्रीन, और स्वाइप करके 1 सेकंड होल्ड रखेंगे तब आप आ जाएंगे रिसेंट टास्क में। मैं आपको करके बता देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम बैक आ गए। अगर आपको ये बटन वापस से चाहिए अपने नेविगेशन बटन वाले बटन, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम वर्चुअल बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वर्चुअल बटन पर क्लिक करेंगे आपके बटन वापस आ जाते हैं। अगर आपके बटन की लेफ्ट या राइट की प्रॉब्लम हो तो आप इन्हें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कर सकते हैं आप जो भी करना हो। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं और बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्राइवेसी, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप प्राइवेसी पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फाइंड माई डिवाइस, इससे क्या है जब आपका फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तब आप अपने फ़ोन को सर्च कर सकते हैं। इसमें क्या है आपकी मेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए आपके फ़ोन में, और आपके फ़ोन के अंदर आपकी लोकेशन जो होती है वो ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ से हम और नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप लॉक, किड स्पेस, प्राइवेट सेव,
ऐप लॉक में जाके आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक कर सकती हैं। अगर आपको प्राइवेट सेफ में जाके अपने फ़ोटो एंड वीडियो अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकती हैं। मैं आपको एप्लीकेशन पर लॉक लगा के बता देता हूँ। हम ऐप लॉक पर क्लिक कर लेते हैं, सेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड ना लगा के अगर आपको पैटर्न लगाना है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। यहाँ से हम पासवर्ड सेलेक्ट कर देते हैं, ये पासवर्ड सेलेक्ट कर दिया। इसे करेंगे हम वेरीफाई। और यहाँ से आपके सामने आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होता है। इससे क्या होता है, आप अपने इससे क्या होता है, जो आपने अपने एप्लीकेशन पर लॉग लगाया वो इन फ्यूचर कभी आप भूल जाते हैं तो उसे आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन की मदद से। तो सिंपली हम यहाँ से अपने क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीचर, अपने टीचर का नाम दे देंगे हम यहाँ से। और इसे यहाँ से हम कर देंगे डन। इसे डन करने के बाद आपके सामने आपकी एप्लीकेशन लिस्ट खुल जाती है, जिसमें 5-6 एप्लीकेशन आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलती हैं। अगर आप इन्हें लॉक करना चाहते हैं तो यहीं से रहने दें, अगर नहीं करना चाहते तो आप इन्हें हटा भी सकते हैं एक एक करके इस प्रकार से। तो यहाँ से मैंने एक गैलरी फ़ोटो सेलेक्ट कर रखा है अपना, जिसे हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। और भी करना हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से आपको चेक करा देता हूँ हमारी जो गैलरी है उस पर लॉक लगाया या नहीं लगाया। जैसे अब इस पर आई, अपनी गैलरी ओपन करी, यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी गैलरी पर हमारा जो लॉक था वो डालेंगे तभी आप अपनी गैलरी ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। फिर से हम चलते हैं वहीं सेटिंग में। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है लोकेशन, सिक्योरिटी में जाकर बहुत सारी सेटिंग देखने मिल जाती है। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है एडिशनल सेटिंग। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है स्क्रीन शॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो हम स्क्रीन शॉट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग, इसे ऑन कर देंगे। इससे क्या हो, जो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उसे आप एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद जो आपका ओरिजिनल इमेज होता है वो डिलीट हो जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन देना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग शॉट साउंड, थ्री फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन शॉट, वो आपका इनेबल है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। वहीं आपको ऑप्शन देना जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ से आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन देना जाता है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है OTG कनेक्शन, इसे इनेबल कर देंगे आप। इससे इनेबल करने से क्या है, OTG कनेक्शन आप यूज कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई 10 मिनट तक OTG कनेक्शन यूज नहीं करते तो ये आपको ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। यहाँ से हम बैक चलते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ऐप क्लोनर, जहाँ से आप अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन के डुअल एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर ये सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप जाएंगे एसेबिलिटी पे, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है पावर बटन एंड एंड कॉल। यहाँ से आप देख सकते हैं पावर बटन प्रेस, इसे इनेबल करने से क्या, आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। जब आप कॉल कर रहे होते हैं आपका पावर बटन प्रेस करेंगे आपकी कॉल कट हो जाती है। अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहीं से इसे ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट। इससे क्या होता है, आपके जो कॉन्ट्रास्ट हैं वो थोड़े हाईलाइट हो जाते हैं, इसे आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं कन्वीनियंस टूल में। कन्वीनियंस टूल पर क्लिक किया, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है जेस्चर ऑफ मोशन, जेस्चर एंड मोशन। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन ऑफ जेस्चर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसे यहाँ से आप ऑन कर देंगे। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ड्रा टू ओ ओपन कैमरा, ड्रा ए वी टू टर्न ऑफ फ्लैश लाइट। इससे क्या, अपनी डिस्प्ले पर आप बी दबाएंगे, बी ऑन बनाएंगे, ये ड्रॉ करेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। अगर ओ बनाते हैं आप अपनी डिस्प्ले पर तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड जेस्चर, जिस पर क्लिक करके यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिन्हें आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है राइज टू वेक, इसे इनेबल कर दे। इसे इनेबल करने से क्या, जैसे ही आपका फ़ोन के टेबल पर रखा और आप उसे उठाते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है। ऑटो ईयर पिक कॉल, जैसे ही आप अपनी फ़ोन को कान के पास रह जाते हैं आपके फ़ोन में कॉल आ रही है वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाती है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट, जैसे ही आपके फ़ोन के अंदर का कोई इनकमिंग कॉल आ रही है और आप अपने फ़ोन को फ्लिप कर देते हैं फ्लिप, तो आपकी एक ऑटोमेटिक कॉल साइलेंट हो जाती है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं।
तो ये थी गाइज हमारी फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें, ताकि हमारा अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।